सनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे सीन के बारे में, क्यों इतना मतलब नीचे गिर रही है? अब पूजा ने फाइनली डिसाइड किया है कि मिस्टर कपूर का चैप्टर भी क्लोज हो गया है, तो नरेन के सामने अब बच्चे बनने का तो नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने यही डिसाइड किया है कि अब वो गिर के ऐसा प्रिटेंड करेगी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे पहले ही जो मेरी बहन है नैना, उसने ऑलरेडी शक का बीज बो दिया था नरेन के मन में, और उसका वो डाउट भी क्लियर हो गया, और आज फाइनली ये झूठ ख़त्म हो गया है, ये नाटक ख़त्म हो गया है नरेन के सामने और फैमिली के सामने भी। अब हम जाएंगे तो पूजा नॉर्मल होके ही जाएगी, तो लेकिन बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है क्योंकि पूजा भी डिलेमा में है। पहले तो वो सोच रही थी कि वो भेद बता दे, क्योंकि नरेन उसको बोल रहा था लास्ट चांस है हमारे प्यार के लिए, तो उसको डिफ़िकल्ट हुआ प्यार और दादाजी के वचन के बीच में डिसीजन लेने के लिए। लेकिन वो भेद वो बता नहीं सकती है, उस भेद से नरेन टूट जाएगा, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो नहीं बताएगी, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हर लव। देखा गया तो जैसे नरेन को पहले से ही पता था आप प्रिटेंड कर रहे हो, ये अचानक मतलब पूजा के लिए सामने ये उसके लिए नई चीज़ हो गई, तो कितना शॉकिंग रहा पूजा के लिए ये चीज़ जान के कि नरेन को पहले से ही पूजा का सच पता। नरेन को पहले से ही पूजा का सच पता चलने लग गया था, इसका शक पूजा को भी हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नैना पूजा को बार बार थ्रेटन कर रही थी कि तुम्हें नरेन के सामने नाटक करते रहना पड़ेगा, और वो क्या खेल खेल रही थी उसके बारे में भी पूजा थोड़ी बहुत अवेयर थी ही, तो पूजा को थोड़ा सा शक ऑलरेडी हो गया था। इसीलिए जब नरेन की शार्प नज़रों से देखती थी तो उसके मन का चोर बाहर निकल जाता था, लेकिन फिर भी वो वापस एक बच्चे की तरह बन के प्रिटेंड करती थी। लेकिन अब तो फाइनली नरेन को पता चल गया है, और आई होप सब लोग होप ही यही कर सकते हैं कि पूजा अपने प्यार को वापस पा ले और घर पे भी सबका प्यार उसे मिल जाए। शायद नरेन बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए आज एक थप्पड़ में पूजा के गालों पे पड़े। दूसरा छल है, कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है, एक बर्दाश्त करने की लिमिट भी होती है। इससे पहले भी पूजा ने एक छल किया था, हालांकि उसके अच्छाई के लिए किया था, लेकिन इस बार जो ये खेल खेला है वो उसे बता नहीं सकती है, उसका भेद खोल नहीं सकती। ओके, तो लास्टली अब क्या कुछ अच्छाइयाँ देखने मिलेगी या फिर दोनों के बीच में तनाव हो जाएगा? अब तनाव तो हो गया है, और पूजा यही चाहेगी और कोशिश करेगी कि ये ठीक हो जाए बिना भेद खोले। थैंक यू।